क्लास एट्थ आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, उसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका जो थर्ड पार्ट है वो एक्स रेज पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज पावर होल 4। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। एक्स रेज पावर 4 जो है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये फैक्टर्स बनेंगे। बिकॉज एक्स स्क्वेयर को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड होती हैं, तो एक्स 2 और 2 हो गया 4, तो आ गया एक्स रेज पावर 4। ठीक है, वैसे ही वाई प्लस जेड के फैक्टर्स निकालेंगे, तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आएगा ना, एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वेयर और बाहर से होल स्क्वेयर, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से इन दोनों के फैक्टर्स निकाल दिए। अब ज़रा देखो, यहाँ पर ए क्या है? ए आपको एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, ठीक है, ए आपको एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, और बी आपको वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर दिख रहा है। तो मतलब ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये बन गया। तो हमें पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी जो होती है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, तो वही करेंगे हम। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो आएगा ये ए कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस बी कितना है वाई प्लस जेड, ठीक है, और माइनस फिर अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी कितना है वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आएगा, सॉरी स्क्वेयर रहेगा। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं, यह आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, इसको ऐसे रहने दो, माइनस यहाँ पर देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगेन बन रहा है, तो यह आएगा इस टाइम ए माइनस बी, और दूसरा क्या आएगा ए प्लस बी, यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो आगे करते हैं। अभी क्या आएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, यहाँ से क्या आएगा, इसको अगर आप खोलोगे तो ये एक्स माइनस, सॉरी इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ से आएगा ये एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है भाई।